और अजीत सरकार के असल पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जन जन के नेता थे स्वर्गीय अजीत सरकार जी, कॉमरेड अजीत सरकार जी की हत्या यही पे हुई थी, यही जो स्थल है। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और उनके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग डोर टू डोर कैंपेन प्रारंभ कर रहे हैं कि जो अजीत सरकार की हत्या के आरोपी हैं, वैसे लोगों को पूर्णिया की जनता फिर से पूर्णिया में पनपने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने आज जो जन जन के नेता थे कॉमरेड अजीत सरकार जी को श्रद्धांजलि दे के इस चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जो सामने प्रत्याशी हैं, जो लोग पूर्णिया को तबाह किया, पूर्णिया को बर्बाद किया, पूर्णिया को बंजर बनाने का काम किया, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन यहाँ से करने पर मजबूर किया, जो उद्योग धंधे थे वो बंद करके लोग चले गए, शहर के अच्छे डॉक्टर चले गए, अच्छे व्यवसायी चले गए, सैकड़ों हत्या के आरोपी, सैकड़ों हत्या करवाए, ऐसे लोगों को पूर्णिया में हम लोग किसी भी सूरत में पांव नहीं जमाने देंगे। आज भी उनकी मनसा वही है, जो लूट फिरौती इस तरह का कि मनसा को लेके लोग आए हैं, ऐसे लोगों को हम लोग पूर्णिया में पांव नहीं जमाने देंगे। पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की 40 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और पूर्णिया से इतने बड़े अंतर से विरोधी को परास्त करेगी जिससे कि दूसरी बार यहां से उनका मनोबल समाप्त हो जाएगा, दूसरी बार यहां से प्रत्याशी बनने का सपना तक नहीं देखे, ऐसा हम लोगों का उम्मीद है और पूर्णिया की जनता ये करके दिखाएगी। आप देखिएगा जब सारे पूर्णिया के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार के चुनाव में, ऐसा मेरा विश्वास है। NDA पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, यह चुनाव सिर्फ NDA का अब नहीं रह गया, पूर्णिया के एक एक जनता का चुनाव है। इसलिए आप सभी मीडिया के माध्यम से हम आग्रह करेंगे, आप सबों से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को तरजीह आप लोग भी मत दें। तीन साल पहले इसी जगह पे कॉमरेड अजीत सरकार की हत्या हुई थी और आज आप लोग यहाँ से कैंपेन शुरू कर रहे हो, क्या कहेंगे? देखिए, अजीत सरकार जी इस पूर्णिया जिला, इस लोकसभा और इस विधानसभा के जन जन के नेता थे और गरीब गुरुवे के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे, उनके अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा अनवरत प्रयासरत रहते थे। वैसे नेता जो किसी दल विशेष से नहीं थे, पूर्णिया के लाल थे, पर ऐसे नेता को हमसे छीना गया और आज हम लोग इस वार्ड में उनके शहादत स्थल से उनको नमन करके, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके, उनको श्रद्धांजलि देके इस वार्ड में आज हम लोग शहर में अभियान शुरू कर रहे हैं कि हम लोग पूर्णिया की जनता से अपील करेंगे कि फिर पूर्णिया 20 साल 25 साल पहले वाला पूर्णिया नहीं होने दें। पूर्णिया में जो अमन चैन, जो शांति, जो हमारे कॉमरेड अजीत सरकार जी ने देखा था, जो उनका सपना था, उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे। जो गरीब गुरबा सबको चाहते थे कि सभी लोग बराबर हो, सभी का विकास हो, अमन चैन शांति हो, जिसकी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की थी, उनके सपने को साकार हम लोग करेंगे। आज यही यहाँ से संदेश देने का काम कर रहे हैं और पूर्णिया लोकसभा के सभी मतदाता मालिकों से अपील करना चाहेंगे, जो हमारे NDA के प्रत्याशी हैं, भाई संतोष कुशवाहा जी माननीय सांसद वर्तमान, और जो अभी इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी NDA का नारा है पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 का 40 और पूर्णिया लोकसभा में 4 लाख से अधिक अंतर से हम जीते, उस संकल्प लेकर हम अभी NDA के तमाम साथी कुछ करेंगे, एक एक घर मतदाताओं से जाके अपील करेंगे। जो हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, जो संतोष जी ने काम किए हैं, जो भी पूर्णिया में लोकसभा में जब दो बार से ये सांसद हैं, अमन चैन शांति जो बहाल हुआ है, किसी से कभी एक रुपया लिए नहीं है, किसी से मांगे नहीं है, कि विकास किए हैं, काम किए हैं, और हो सकता है किसी को व्यक्तिगत फायदा नहीं दिए हो, लेकिन किन्हीं का ये नुकसान नहीं किए हैं। ये पूर्णिया लोकसभा में अमन चैन शांति बरकरार रहे, हमारे केंद्र में सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो, यहाँ भाई संतोष कुशवाहा जी को जिताने के लिए अपील करने के लिए आए हुए हैं सभी मतदाताओं से। आज हम लोग संकल्प लेके इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
मैं मोहम्मद इरफान कामिल, आवामी न्यूज, जिला ब्यूरो पूर्णिया। उपस्थित पूर्णिया लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय भाई संतोष कुशवाहा जी, हमारे बीच दरभंगा के सदर के माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और मैं उनका स्वागत भी करती हूँ कि आप हम लोगों के बीच आए हुए हैं। यहाँ उपस्थित अमनौर के माननीय विधायक मंटू जी, नगर के जदयू के अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो जी, प्रभारी राजकुमार गुप्ता जी, ये इस वार्ड की वार्ड पार्षद और शहीद अजीत सरकार जी के दामाद विकास जी, एवं यहाँ उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण, कार्यकर्तागण, उपस्थित मीडिया के साथी, अभी सभी वक्ताओं ने चर्चा की है कि हम लोग आज इस जगह किस मकसद से उपस्थित हुए हैं। यूँ तो आप सभी लोग अवगत हैं कि हम लोग जो लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, उस संदर्भ में आज हम लोग विधिवत रूप से शहर में शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कल सिंबल मिला है और कितने नंबर पर रहेगा ये डिसाइड हुआ है। आज हम लोग छाप को लेकर, जो 3 नंबर पर छाप मिला है, 3 का छाप है, उस अभियान की शुरुआत इस वार्ड से करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसे जो नेता थे हमारे कॉमरेड अजीत सरकार जी, जो हर लोगों के दिल में बसते थे, हर गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है, उसको हम लोगों के बीच से छीना गया। और वैसे लोग आज मैदान में हैं, आज लोगों को समझने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है कि पूर्णिया फिर किस हालत में हम लोग, उस परिस्थिति में आने देना हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों को संकल्पित होकर, जो हमारे शहीद अजीत सरकार जी थे, उनके सपनों का पूर्णिया बनाना चाहते हैं, जो वो चाहते थे, गरीब गुरबा सभी आम लोगों का आगे बढ़े, सभी का विकास हो, सभी के लिए लड़ाई लड़ते थे, सभी के लिए जीते मरते थे, उनकी उनके सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग आज उनके शहादत स्थल से इस अभियान की शहर में शुरुआत कर रहे हैं कि घर घर हम लोग जो छाप है माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी का 3 छाप 3 नंबर पर, उस अभियान की शुरुआत हम लोग करें। अभी भाई संजय सरावगी जी बोल रहे थे किस तरह से पूर्णिया में एक माहौल भी बनाया जा रहा है, प्रोपगंडा जिसको कहते हैं, लगता है कि पूरा बोर्ड जो है, जो सामने प्रत्याशी है, उन्हीं के पक्ष में चला गया, इस तरह से माहौल प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जो हमारे अभी देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकास किए हैं, जो देश का तरक्की किए हैं, सभी लोग उनको देख रहे हैं। और यहाँ पूर्णिया लोकसभा में भाई संतोष कुशवाहा जी ने जो विकास किए हैं, कभी किसी को तंग नहीं किए हैं, कभी किसी से 1 रुपया मांगे नहीं है, पूर्णिया के लिए विकास किए हैं, पूर्णिया के अमन शांति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में पूर्णिया में शांति व्यवस्था कायम किए हैं, और जो 20 वर्ष पहले का पूर्णिया था, फिर हम लोग 20 वर्ष पहले वाला पूर्णिया देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज संकल्प लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को गुमराह करने के लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एकजुट होकर, जो हमारे कॉमरेड अजीत सरकार जी की शहादत हुई है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, और उनका जो सपना था कि हर गरीब गुरबा पूर्णिया में अमन चैन शांति हो, उसको लेकर आज संकल्प लेने की जरूरत है। और आज हम लोग 3 छाप को लेकर, जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनका 3 छाप है, 3 नंबर पर है, और हर घर महिला पुरुष युवा नौजवान सबके बीच जाए, और हम लोग आग्रह और अनुरोध करेंगे। और हमारे बीच यहीं के किसी मोहल्ले किसी वार्ड के जो एक बड़े आरएसएस के नेता थे किशोर सिंह जी,
उनकी भी हत्या हुई है और ये कोई भूल नहीं सकते। उनके भाई अभी मनोज सिंह जी यहाँ है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, तो उनकी भी शहादत को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। किस तरह से उन्होंने पूर्णिया के लिए सपना देखा था, आज इतने बड़े नेता को हम लोगों के बीच से छीना गया, ये सब हम लोगों को याद है। कोई भूले नहीं है, पूर्णिया के लोग अभी कभी भूलने वाले नहीं है। इसलिए फिर से वैसा दौर शुरू नहीं हो, एक एक जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मतदाता हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी मतदाता के पास जाए। और सभी मतदाता से भी अपील करना चाहती हूँ, भाई बहन युवा नौजवान से, कि फिर पूर्णिया उजड़े नहीं। पूर्णिया में जो अमन शांति जो बहाल हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, जो